बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर शिखर धवन ने अब संन्यास ले लिया है। सभी फॉर्मेट से ये संन्यास लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। क्रिकेट की यात्रा का अध्याय है, अनगिनत यादें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान शिखर धवन का, और साथ ही ये बोलते नजर आए कि क्रिकेट की यात्रा का अध्याय खत्म, अनगिनत यादें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ओपनर के तौर पर शिखर धवन खेला करते थे और अब क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास अनाउंसमेंट करते हुए क्रिकेट की ये यात्रा का अध्याय अब खत्म। नमस्कार सभी को, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बीसीसीआई डीडीसी का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं खेला। बता दें, क्रिकेटर शिखर धवन ने अब संन्यास ले लिया है।